हेलो स्टूडेंट, वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं तुम्हारा संदीप सर। आज एक नया टॉपिक लेके आया हूं, प्राइवेट इनकम। तो चलो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्राइवेट मतलब प्राइवेट सेक्टर्स, इनकम को मतलब मनी इनकम जो वो लेता है, रिसीव करता है। मतलब ये इनकम जो भी है प्राइवेट सेक्टर का, प्राइवेट सेक्टर्स में कौन कौन इंक्लूडेड होंगे, तो प्राइवेट इंटरप्राइजेस मीन्स प्रोड्यूसिंग फॉर्म्स और हाउस होल्ड्स, मतलब फैक्टर ऑनर्स कहते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स, हम तुम जैसे लोग जो सर्विस देते हैं और बदले में इनकम रिसीव करते हैं, इन दोनों का सम टोटल है प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर्स का जो भी इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज, हर सोर्स दो है। एक हमारा है जो हम कमाते हैं, मतलब जिसके बदले हम कोई सर्विस देते हैं, जिसे हम कहते हैं फैक्टर इनकम, दिस इज द अर्नड इनकम, कमाया हुआ इनकम। और दूसरा सोर्स क्या है, अनअर्नड, जिसके लिए हम कोई सर्विस नहीं देते, जिसे हम कहते हैं ट्रांसफर इनकम। मतलब इन दोनों का सम टोटल है ये इनकम प्राइवेट सेक्टर्स का, जब हमारे वो देश से कमाए या देश के बाहर से कहीं से भी किसी भी सोर्स से पैसा अगर प्राइवेट सेक्टर के पास आता है वो कहलाता है प्राइवेट इनकम। अब जो ये फैक्टर इनकम है, दो सोर्स हैं। एक हमारा है अपने देश के अंदर, दैट इज फ्रॉम विद इन द कंट्री। दूसरा हमारा क्या है, फ्रॉम अब्रॉड, देश के बाहर। जो हम अपने देश से फैक्टर इनकम कमाते हैं उसे हम कहते हैं प्राइवेट सेक्टर इनकम। मतलब सिंपल भाषा में लिखा रहेगा क्वेश्चन में क्या, कि इनकम फ्रॉम द डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब NDP/NFC कमिंग फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। जो भी इनकम डोमेस्टिक इनकम का कंपोनेंट जो है, जो प्राइवेट सेक्टर से आता है, उसे हम कहते हैं प्राइवेट सेक्टर इनकम, फर्स्ट कंपोनेंट फैक्टर इनकम का। और दूसरा फ्रॉम अब्रॉड का मतलब NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इन दोनों का सम टोटल है टोटल फैक्टर इनकम, जो अपने देश विदेश दोनों से कमा के लाते हैं। सेकेंड फैक्टर जो है हमारा, वो है ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम का मतलब कोई भी इनकम जो हम बिना किसी सर्विस के लेते हैं, मतलब बदले में कुछ देते नहीं है, सिर्फ उसे हम लेते हैं, रिसीव करते हैं, वो है हमारा ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम का भी दो सोर्स है। एक हमारा है फ्रॉम विद इन द नेशन, अपने देश से। इसमें दो कंपोनेंट आता है, पहला हमारा है इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, दूसरा हमारा क्या है, करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। जो भी सरकार अपने प्रशासनिक विभाग से ट्रांसफर करती है वो सरकार का ट्रांसफर पेमेंट है, लेकिन जो लोग रिसीव करते हैं उनका ट्रांसफर इनकम है। जैसे सपोज कहते हैं विडो पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन है, स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स है, ये सब इस कैटेगरी में आता है। और जो भी सरकार जो कर्ज लेती है इस पर जो इंटरेस्ट का पेमेंट करती है वो हमारा है इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट। इन दोनों का सम टोटल जो हमारा है वो ट्रांसफर इनकम है फ्रॉम विद इन द नेशन। और सेकेंड कंपोनेंट हमारा है ट्रांसफर इनकम का, जो हमें बाहर से मिलता है, फ्रॉम अब्रॉड, नेट करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ROW में शॉर्ट में लेते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मीन्स फ्रॉम अब्रॉड। जो भी सपोज कहते हैं कि हमने किसी कंट्री को कुछ दिया, डोनेट किया, चैरिटी फंड में पैसा दिया, तो हमने रिसीव भी किया, जो हमने रिसीव किया लिया और जो हमने दिया, दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा है नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम दैट इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये दो कंपोनेंट ट्रांसफर इनकम का। अब हम इन चारों कंपोनेंट्स को अगर जोड़ देते हैं तो क्या मिलेगा हमें, प्राइवेट इनकम। मतलब प्राइवेट इनकम जो हमारा है वो क्या है, दैट इज नंबर वन प्राइवेट सेक्टर इनकम, जो हमारा ये पहला कंपोनेंट है फ्रॉम विद इन द कंट्री। दूसरा हमारा क्या है, सेकेंड कंपोनेंट, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और ये जो थर्ड और फोर्थ दोनों एक साथ लिखा हुआ है, ऑल करेंट ट्रांसफर, सबको जोड़ दिया इन सब को, तो हम क्या मिलेगा, प्राइवेट इनकम। अब मतलब आप देख लो, प्राइवेट इनकम में प्राइवेट सेक्टर इनकम इंक्लूडेड है। मतलब प्राइवेट इनकम एक ब्रॉडर कंसेप्ट है प्राइवेट सेक्टर इनकम से। अगर इसी से हम प्राइवेट सेक्टर इनकम का निकालेंगे वैल्यू, तो क्या होगा, इस प्राइवेट इनकम में हम NFIA और ऑल करेंट ट्रांसफर्स अगर घटा देंगे तो हमारा क्या निकलेगा, प्राइवेट सेक्टर इनकम। अब दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट इनकम एंड प्राइवेट सेक्टर इनकम। सबसे पहले देखो कि प्राइवेट इनकम में
NFIA जोड़ा हुआ है, मतलब ये इंक्लूड करता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब प्राइवेट इनकम जो हमारा यहाँ पर है ना, ये एक क्या है, नेशनल कंसेप्ट है। नेशनल कंसेप्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इसमें जोड़ा हुआ है क्या, दैट इज NFIA। और प्राइवेट सेक्टर इनकम में देखो माइनस है हमारा यहाँ पर NFIA, मतलब प्राइवेट सेक्टर इनकम जो हमारा है इसे हम कह सकते हैं ये हमारा एक डोमेस्टिक कंसेप्ट है। क्यों, क्योंकि इसमें NFIA इंक्लूडेड नहीं है। ये पहला डिफरेंस कि प्राइवेट इनकम नेशनल कंसेप्ट है, क्यों, क्योंकि इट इंक्लूड्स NFIA। प्राइवेट सेक्टर इनकम डोमेस्टिक कंसेप्ट है, क्यों, क्योंकि इसमें NFIA घटाया हुआ है, माइनस किया हुआ है। ये पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, प्राइवेट इनकम में ट्रांसफर इनकम्स भी एडेड है, मतलब ये फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम दोनों का सम टोटल है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर इनकम जो हमारा है इसमें ट्रांसफर इनकम सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, मतलब इसमें इंक्लूडेड नहीं है। मतलब ये प्राइवेट सेक्टर इनकम सिर्फ फैक्टर इनकम इंक्लूड करता है। ये दो डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो अभी हमने क्या देखा कि प्राइवेट इनकम जो है ये प्राइवेट सेक्टर इनकम पहला कंपोनेंट, दूसरा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और तीसरा ऑल करेंट ट्रांसफर इनकम, मतलब इसका एक कंपोनेंट है प्राइवेट सेक्टर इनकम। अब हमने पढ़ा हुआ है कि NDP एट FC दैट इज डोमेस्टिक इनकम, दोनों सेक्टर से जो इनकम आता है ना फैक्टर इनकम्स, उसका सम टोटल है, एक हमारा है प्राइवेट सेक्टर इनकम और दूसरा हमारा है पब्लिक सेक्टर इनकम। अब हमें अगर इस कंपोनेंट को निकालना है डोमेस्टिक इनकम से, NDP एट FC से, तो क्या करेंगे, ये प्राइवेट सेक्टर इनकम निकालने के लिए डोमेस्टिक इनकम में पब्लिक सेक्टर इनकम घटा देंगे। अब अगर हम इस प्राइवेट सेक्टर इनकम का वैल्यू यहां पर हम पोस्ट करें तो क्या हो गया हमारा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट दैट इज डोमेस्टिक इनकम और माइनस पब्लिक सेक्टर इनकम, ये हमारा हो जाएगा प्राइवेट सेक्टर इनकम, बाकी प्लस NFIA प्लस करंट ट्रांसफर इनकम, ये हो गया हमारा एक फॉर्मूला। और अब यहां देखो इन दोनों का सम टोटल, मतलब डोमेस्टिक इनकम और NFIA का सम टोटल क्या होता है हमारा, दैट इज नेशनल इनकम, NNP एट FC, मतलब इन दोनों का सम टोटल नेशनल इनकम है। तो हम फिर लिख सकते हैं क्या, NNP एट FC नेशनल इनकम माइनस पब्लिक सेक्टर इनकम और प्लस ऑल करंट ट्रांसफर इनकम, ये भी हमारा हो गया प्राइवेट इनकम। मतलब प्राइवेट इनकम का ये दो फॉर्मूला और है कैलकुलेट करने का, पर जो भी कंपोनेंट क्वेश्चंस में दिया रहेगा अकॉर्डिंगली हम वो वैल्यू पोस्ट करेंगे और प्राइवेट इनकम का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब अगर नेशनल इनकम का अगर हम कैलकुलेशन करें इसी फॉर्मूले से, तो कैसे निकालेंगे नेशनल इनकम, तो प्राइवेट इनकम में पब्लिक सेक्टर इनकम ऐड कर देंगे सेकेंड, और करेंट ट्रांसफर इनकम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें क्या निकलेगा, नेशनल इनकम। मतलब अगर इन दोनों को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें, प्राइवेट इनकम और नेशनल इनकम में अंतर क्या है, तो पहला क्या अंतर है कि नेशनल इनकम है इंक्लूड्स इनकम बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स, दोनों का इनकम इसमें इंक्लूडेड है सेक्टर्स, यहां हमारा है प्राइवेट सेक्टर का इनकम, मतलब दोनों का सम टोटल हमारा है नेशनल इनकम। लेकिन प्राइवेट इनकम अगर हम देखेंगे तो प्राइवेट इनकम में पब्लिक सेक्टर इनकम सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, मतलब इसमें पब्लिक सेक्टर इनकम का वैल्यू जोड़ा हुआ नहीं है, ये सिर्फ ये इंक्लूड्स इनकम ऑफ ओनली प्राइवेट सेक्टर, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर्स, यहां पर हमारा है बोथ नेशनल इनकम में बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर दोनों का इनकम, मतलब प्राइवेट इनकम सिर्फ प्राइवेट सेक्टर का इनकम इंक्लूड करता है, नेशनल इनकम दोनों का इनकम इंक्लूड करता है, प्राइवेट सेक्टर्स का भी और दैट इज पब्लिक सेक्टर्स का। दूसरा पॉइंट जो डिफरेंस का हमारा है कि NNP एट FC मीन्स नेशनल इनकम सिर्फ फैक्टर इनकम्स इंक्लूड करता है, ये ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं करता, डज नॉट इंक्लूड ट्रांसफर इनकम। लेकिन प्राइवेट इनकम की अगर बात करें तो ये दोनों फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम दोनों को जोड़ता है, मतलब प्राइवेट इनकम में दोनों जुड़ा हुआ है फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम, लेकिन नेशनल इनकम में सिर्फ फैक्टर इनकम है, ट्रांसफर इनकम्स का इसमें एडिशंस नहीं है। अब हम पीछे चलते हैं जहां से हम शुरू किए थे कि क्या है हमारा प्राइवेट इनकम, तो प्राइवेट इनकम हमारा क्या है, इनकम प्राइवेट सेक्टर्स का हर सोर्स से
विदिन आउटसाइड द कंट्री, ये था हमारा सिंपल डेफिनेशन। अब आता है क्वेश्चन कि प्राइवेट सेक्टर्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं। तो पहला कंपोनेंट हमारा है प्राइवेट एंटरप्राइजेज, दैट इज प्रोड्यूसिंग फॉर्म्स, और दूसरा फैक्टर हमारा है हाउस होल्ड्स, दैट इज फैक्टर ऑनर्स, हम तुम जैसे लोग जो सर्विस देते हैं और इनकम रिसीव करते हैं। जो भी इनकम प्राइवेट एंटरप्राइजेस का होता है उसे हम प्रॉफिट कहते हैं, द इनकम प्राइवेट एंटरप्राइजेस का प्रॉफिट। प्रॉफिट का अब तीन कंपोनेंट है, पहला है प्रॉफिट टैक्स या कॉरपोरेट टैक्स कहते हैं, या सिंपल टर्म्स में कहते हैं इनकम टैक्स पेड बाय द कॉरपोरेट सेक्टर। दूसरा हमारा है कंपोनेंट डिविडेंड, जो प्रॉफिट से ही पेमेंट होता है टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, और थर्ड इन दोनों को पेमेंट करने के बाद जो कंपनी अपने पास रिटेन रख लेती है, जिसे बांटती नहीं है, दैट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इसको भी अलग अलग नाम से जानते हैं, सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर, नेट रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर, या सिंपल टर्म्स में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहते हैं। तीनों का सम टोटल है टोटल प्रॉफिट। मतलब अब ये अगर देखें डिविडेंड, जो ये कंपोनेंट है प्रॉफिट का, डिविडेंड इज पेड किसको, टू द शेयर होल्डर्स, मतलब ये डिविडेंड हमारा शामिल हो जाएगा किस में, दैट इज पर्सनल इनकम में, जो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर्स का इनकम है। जो भी हाउस होल्ड सेक्टर सेकेंड कंपोनेंट जो हमारा प्राइवेट है ना सेक्टर का है, उसका इनकम है पर्सनल इनकम। तो अब हम अगर प्राइवेट इनकम का अगर एक फॉर्मूला हम और लिखें तो क्या हो गया, हमारा पहला कंपोनेंट दैट इज पर्सनल इनकम, दिस वन इज पर्सनल इनकम किसका है, हाउस होल्ड सेक्टर्स का इनकम। दूसरा हमारा है प्रॉफिट टैक्स, दिस वन प्रॉफिट टैक्स, और तीसरा हमारा है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो प्रॉफिट का ही हिस्सा है। ये तीन कंपोनेंट्स को हम अगर जोड़ देंगे तो हमें फिर मिलेगा प्राइवेट इनकम। ये एक नेक्स्ट फॉर्मूला है प्राइवेट इनकम को कैलकुलेट करने का, मतलब प्राइवेट इनकम जो है ये इंक्लूड्स पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम हम बाद में पढ़ेंगे, पर्सनल इनकम का मतलब किसी एक इंडिविजुअल का इनकम हर सोर्स से विद इन एंड आउटसाइड। और पर्सनल इनकम में प्रॉफिट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जोड़ देते हैं तो हमें निकलता है प्राइवेट इनकम। अब जो प्राइवेट इनकम का ये जो दो कंपोनेंट है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और प्रॉफिट टैक्स, ये जो दोनों प्रॉफिट टैक्स ये सरकार के पास चला जाता है, किसी व्यक्ति के पास नहीं आता। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ये कोई भी प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर रिटेन करती है अपने पास, किसी को देती नहीं है। मतलब इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे प्राइवेट इनकम में से तो जो निकलेगा हमें वो आएगा पर्सनल इनकम। मतलब पर्सनल इनकम और प्राइवेट इनकम में एक डिफरेंस क्या है कि प्राइवेट इनकम जो हमारा है इसमें पर्सनल इनकम इंक्लूडेड है, प्रॉफिट टैक्स भी और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी जोड़ देते हैं क्योंकि इसमें प्राइवेट इंटरप्राइजेस का भी इनकम एडेड है। लेकिन पर्सनल इनकम सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन का इनकम है, तो जो भी प्राइवेट इनकम है उसमें से प्रॉफिट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट घटा देते हैं। एक बार फिर चलते हैं पीछे, प्राइवेट इनकम कैसे निकालते हैं, डोमेस्टिक इनकम में पब्लिक सेक्टर इनकम सबट्रैक्ट कर देते हैं और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और करंट ट्रांसफर इनकम्स जोड़ देते हैं, तो हमारा जो आता है क्वांटिटी वो है हमारा प्राइवेट इनकम का। अब अलग अलग मेथड्स में हम कैसे निकालते हैं प्राइवेट इनकम, तो वन बाई वन देखते हैं। सबसे पहले आते हैं वैल्यू एडेड मेथड। इसमें जो पहला एग्रीगेट हम कैलकुलेट करते हैं वो है हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, जो इक्विवेलेंट टू हमारा है जीडीपी एट एमपी। मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस में क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्स घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और इसमें पब्लिक सेक्टर इनकम घटा के और ट्रांसफर इनकम जोड़ देंगे तो हमारा आएगा प्राइवेट इनकम। ये अब आते हैं सेकेंड मेथड, दैट इज इनकम मेथड। इस इनकम मेथड में जो हम एग्रीगेट कैलकुलेट करते हैं वो हमारा है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, दैट इज एनडीपी एट एफसी। इसका तीन कंपोनेंट है, पहला हमारा है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, दूसरा है ऑपरेटिंग सरप्लस
जिसमें रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट सब जोड़ देते हैं तो आता है हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस। और तीसरा है मिक्स्ड इनकम, इन तीनों का जो सम टोटल है वो है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब ये NDPHFC में पब्लिक सेक्टर इनकम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और NFIA और करंट ट्रांसफर इनकम्स इन दोनों को जोड़ देंगे तो इसमें भी हमारा आएगा प्राइवेट इनकम। अब थर्ड मेथड आते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। इस मेथड में जो हम एग्रीगेट कैलकुलेट करते हैं वो हमारा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसका चार कंपोनेंट्स है। पहला हमारा है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स, दूसरा हमारा है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स, तीसरा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और चौथा हमारा है नेट एक्सपोर्ट्स। चारों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मीन्स टोटल एक्सपेंडिचर्स। ये हमारा फर्स्ट कैलकुलेशन हमारा है इस मेथड में। अब इस GDPHFC में डेप्रिसिएशन और NIT सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा क्या आएगा NDPHFC। इसमें पब्लिक सेक्टर इनकम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और करंट ट्रांसफर इनकम जोड़ देंगे तो हमारा फिर आएगा प्राइवेट इनकम। ये था हमारा तीनों मेथड से हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं प्राइवेट इनकम। दैट्स ऑल अबाउट द प्राइवेट इनकम। सी यू इन द next video and thank you very much for watching this video.